अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन टू वॉच लेटेस्ट वीडियो ऑफ डिलीशियस डिशेस एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक चीज़ चिकन विद टोमेटो ग्रेवी। जी हाँ दोस्तों, आज हम चीज़ चिकन विद टोमेटो ग्रेवी बनाने जा रहे हैं, यानी कि हम चिकन को चीज़ में बनाएंगे और साथ ही उसमें टोमेटो की ग्रेवी लगाएंगे। तो जिसके लिए हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। ये हमने 750 ग्राम चिकन लिया हुआ है, जिसको अच्छे से बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो ये हम एक नींबू के रस को इसमें निचोड़ रहे हैं, क्योंकि नींबू बहुत ज़रूरी होता है चिकन की कोई भी रेसिपी के लिए। और साथ ही हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ये हमने एक इंच के अदरक के टुकड़े को लिया और अच्छे से वॉश कर लिया, और साथ ही 8 से 10 गार्लिक क्लोव्स यानी कि लहसुन की कलियाँ ली और दोनों को ग्राइंडर में, मिक्सी के ग्राइंडर में थोड़ा सा रन कर लिया 5 से 6 सेकंड के लिए। और ये क्रोसली ग्राउंडेड जो है ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है, बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाया। तो हम इसको ऐड कर रहे हैं इसमें, और साथ ही हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। ये हम यहाँ पे 1/2 टीस्पून यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आप कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और साथ ही हम इसमें 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और साथ ही हम 1.5 चम्मच ही इसमें नमक डालेंगे। और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करके रेडी कर लेते हैं, और मैरिनेशन के लिए हम इसको रख देते हैं कम से कम 1/2 आवर के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 3 घंटे के लिए मैरिनेट कर सकते हैं, और कम से कम 1/2 घंटे के लिए। आप इसे बाहर भी रख के मैरिनेट कर सकते हैं और फ्रिज के अंदर भी। 1/2 घंटे हो गए हैं, और आइए अब इसको कुक करना शुरू करते हैं। जिसके लिए हमने एक पैन चढ़ा लिया और इसमें 2.5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। हम यहाँ मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। 2 मिनट के बाद तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, और आइए अब इसमें हम लहसुन की कलियाँ डालते हैं। ये 2 से 3 लहसुन की कलियों को हमने चॉप कर लिया था, और इसमें डाल के हम अच्छे से इसको फ्राई कर लेते हैं। साथ ही हम 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे, ये हमने बीच से इसको स्लिट कर लिया था। और साथ ही अब हम ये प्याज डाल रहे हैं, ये एक मीडियम साइज़ की प्याज को हमने फाइनली चॉप कर लिया है, और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है। गोल्डन फ्राई हम इसको करेंगे। प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है, और आइए अब हम इसमें मैरिनेटेड चिकन डाल देते हैं। मैरिनेटेड चिकन डालने के बाद हम एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और इसको चलाते हुए बहुत अच्छे से हम भून लेंगे। थोड़ा सा अभी इसमें पानी निकलेगा, और पानी को हम बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लेंगे, और पीसेस जब हमें लगेगा कि बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं, तब हम इसमें आगे टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनने के बाद चिकन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, और आइए अब इसमें हम टोमेटो का पेस्ट डाल देते हैं। ये 3 बड़े टमाटर को हमने रफली चॉप कर लिया था और ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट रेडी कर लिया। अब इसमें हम डाल देते हैं, और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको कुक होने देंगे। हम इसमें लिड लगाएंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही कुक होने देंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने लिड खोला और एक अच्छा सा मिक्स दे दिया। अब आइए हम इसकी टेंडरनेस चेक कर लेते हैं कि चिकन हमारा गला है कि नहीं। हम नाइफ़ की हेल्प लेते हुए इसको चेक करेंगे कि ये गला है कि नहीं। आप यहाँ पर टूथपिक या फोर कोई भी चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। नाइफ़ हमारा ईजिली अंदर जा रहा है, इट मीन्स कि चिकन हमारा गल चुका है। और अब हम इसमें हरी धनिया डाल रहे हैं, ये 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर चॉप्ड हरी धनिया यूज़ कर रहे हैं, और साथ ही हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, और साथ ही हम यहाँ पे चाट मसाला डाल रहे हैं, ये हम 1/2 टीस्पून यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम 1/2 टीस्पून ही चिकन सिज्जी का मसाला डालेंगे। ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं अगर चिकन सिज्जी का मसाला नहीं हो आपके पास तो। और इन सारी चीज़ों को डाल के बहुत अच्छा सा हमें एक मिक्स दे देना है। और अब हम इस रेसिपी के फाइनल स्टेप की तरफ आते हैं। ये हमने मोज़रेला चीज़ ली है, जिसको हमने ग्रेट कर लिया। ये 100 ग्राम मोज़रेला चीज़ ली है, और अब हम चिकन के ऊपर अच्छे से इसको सजा देंगे। बहुत अच्छे से हमें इसको डालना है, और साथ ही हम लिड लगा देंगे, और सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें इसको कुक कर लेना है। उसके बाद हम इसको फाइनली डिश आउट कर लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं और हमने फ्लेम बंद कर दिया, और आइए अब इसको खोल के देखते हैं कि क्या हाल है इसका। फाइनली हमारा चिकन बन के तैयार है, आइए अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। जिसके लिए हम एक ट्रे लेंगे। मोज़रेला चीज़ ने अपना कमाल दिखा दिया है, और एक स्टिकी सी लेयर बन के आ रही है। ठीक इसी तरह से आपको भी कुक करना होगा। मोज़रेला चीज़ को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, 1.5 से 2 मिनट काफ़ी है।
और इसी तरह से हम ट्रे में अपने चिकन को डिश आउट कर लेते हैं। तो आइए अब इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं, जिसके लिए हम इस पे कोरिएंडर लीव कहीं कहीं रख देंगे, क्योंकि वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं हम यहाँ पे ब्लैक पेपर, यहाँ पे आप क्रोसली ग्राउंडेड ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, हम यहाँ पे पाउडर डाल रहे हैं। तो फाइनली इसे हमने डिश आउट कर लिया है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।